रात्रि के 2 बजे हम लोग का मन किया गया है दौड़ना है और हमारे भाई ये तैयारी हो गए और अभी हम लोग दौड़ के जाएंगे हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर से होते जो पहले वाले इंटर काउंसिल होते कोतवाली थाना होते फिर हम लोगों को गांधी मैदान जाना है। तो अभी आप देखेंगे रनिंग हम लोग की हो रही है। चलेंगे हम सभी भाइयों को फौजी बनना है। सुनसान राहों में, सुनसान राहों में, अजनबी राहों में, आधी दुनिया सोई है फिर भी हम जगे हैं। एक ही जुनून, एक ही जज्बा और एक ही जोश है कि फौजी बनना है। आप भी समझदार नहीं पागल बनिए। जब जी करे दौड़ना चालू करिए, दौड़ना चालू करिए, क्योंकि आज की ये मेहनत कल की आपकी सफलता को बताएगी कि बेटा आपने कितना मेहनत आपने अपने लाइफ में किया है। आज की ये मेहनत कल आपकी सफलता को तय करेगी। तो अभी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पहुँचे फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों दौड़ते दौड़ते अभी हम लोग हनुमान मंदिर पटना जंक्शन पहुँचे हैं। अभी बहुत दूरी तय करनी है। आप भी अपने कमल को हटाइए और हमेशा बोलता हूँ आज भी बोलूँगा समझदारी से काम नहीं चलेगा, पागलपंती दिखाइए। क्यों सोचिए क्या बारिश होती है या कड़ाके की ठंड पड़ती है या कड़ाके की गर्मी पड़ती है, क्या हमारे मम्मी पापा क्या हमारी माँ इस ठंडे में भी खाना बनाती है हम लोगों के लिए कि नहीं बनाती है। तो भैया डेली बनाती है। क्यों बनाती है? हम लोग खिलाने के लिए कि हम लोग पास से नहीं रह जाए। हमारे पिताजी खेतों में काम कर रहे हैं, किसी के पिताजी सैनिक होंगे, क्या वो बर्फ में ड्यूटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे होंगे? क्या हमारे पिताजी किसान हैं तो इतनी ठंड में वो खेतों में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो जाते हैं। तो भैया हम युवा हैं, अपने रोजगार के लिए भाग रहे हैं। बेरोजगारी का वो आलम है कि मैं इस पर बोल नहीं सकता, बोलूँगा तो कितना दिन पार होगा, कहाँ नहीं जा सकता है। तो जब वो हर व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर सकता है तो हम अपनी मम्मी पापा की खुशियों के लिए एक नौकरी नहीं ला कर दे सकते हैं? आप सोचिए। घोड़ों की दौड़ है, अरे सुनो ये गधों की नहीं घोड़ों की दौड़ है, और तुम सोते रहो 4 बजे रजाई तार का हम 10 किलोमीटर लगा दिए। क्या बात है। तो साथियों अभी जीपीओ कोलंबर पहुंच गए हैं और भाई ने सही बोला, सो मत, उठो जागो और अपने लक्ष्य के लिए तब तक भागो इस धरती पर 2 लोग भागते हैं, एक हिरण और एक शेर। और आप सोचिए कि आप हिरण है कि शेर है, भागता दोनों है लेकिन दोनों के भागने में अंतर है। दौड़ता सभी, जितना रिजल्ट आया होगा ना सभी दौड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग दौड़ कर रहे होंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे घुड़ दौड़ कर रहे हैं। मेरे साथियों भागता सभी है, वो चाहे शेर हो या हिरण। और आप सोचिए आप शेर है या हिरण, कैसे? एक हिरण है ना जब उठता है सुबह तो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन आप एक शेर उठता है तो जब भी वो भागता है अपने शिकार के लिए भागता है। आप सोचिए कि आप किसके लिए भाग रहे हैं, टाइम पास के लिए भाग रहे हैं, शेर होने के लिए भाग रहे हैं, आखिर भाग नहीं रहे तो क्यों नहीं भाग रहे? क्या अपने फिटनेस के लिए भाग रहे? कुछ कोई तो कारण होगा आपके भागने का, या बस ऐसी जिंदगी को टाल रहे भगा रहे कि आपका एक दिन तो जाना है? क्या आप भागिए, बस आप कमेंट करेंगे कि आप शेर है या हिरण, भागता दोनों है ना। भाई ने बोला रजाई हटाइए, कमल हटाइए, क्योंकि ये ज्यादा दिन आपके साथ रहने वाली नहीं है। आपको जाना है कहाँ? बॉर्डर पे, कश्मीर सियाचिन में जाना है आपको। इस मुल्क की रक्षा करनी है आपको, जरूरत है इस देश को, इस बिहार की मिट्टी को आपकी जरूरत है। मेरे भाई उठिए जागिए, लड़िए अपने लक्ष्य के लिए। जय हिंद। जो एक फौजी की तैयारी करता है ना वही उस दर्द को समझ सकता है कि दुनिया उसको क्या से क्या नहीं बोलती है। कोई पागल कहे कोई आवारा, कोई समझता है बेचारा, लेकिन एक फौजी का जो तैयारी करता है ना वो एक ही बात बोलता है कि बस अतने कराए राम जी, दिल लागे ना अब केहू और से। कहने का मतलब ये है कि बोलता है कि दिल लगना है तो 1600 मीटर राउंड में 4 चक्कर में वो दिल लगाना चाहता है, भगवान से प्रार्थना करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी मिट्टी से, उस हिंदुस्तान की मिट्टी से वो दिल लगाना चाहता है, तो उस फौज की वर्दी से। और इसीलिए बोलता है कि अब दिल ना लगे किसी और से। साथियों आप भी जगिए, आप भी मेहनत करिए, दिन रात एक करिए। ये पसीना नहीं है,
ये मेरी माँ पिता को खाना खिला खिला कर पोस पाल कर इतना बड़ा किया है ना, उसका ये खून बह रहा है हमारी मातृभूमि के, ये जो ये बूंद देख रहे हैं ना इसके काम आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता है। जय सनम के लिए क्यों मरते हो बेवफा, सनम के लिए मरना है तो मरो वतन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी दो गज कफन के लिए। क्या बात है, कोतवाली थाना पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में डाकबंगला पहुंचेंगे और फिर गांधी मैदान। जय हूँ, अरे इस देश का नमक खाया हूँ, देश का कर चुकाना है, और तुम बन जाना डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब, हमें तो फौज में ही जाना है। क्या बात है भाई गजब। तो माँ के लिए एक शायरी है, माँ तेरे दूध का कर्ज अदा हमसे क्या होगा, माँ तेरे दूध का कर्ज अदा हमसे क्या होगा, तुम जो नाराज हो तो खुश हमसे मेरा खुदा क्या होगा। क्या बात है गजब, माँ के लिए सभी के माँ के लिए एक बार जोर से ताली होनी चाहिए भाइयों। और देख रहे हैं मजा आ गया, बहुत ही मजा आ रहा है। तो हम वो नहीं जो कमर तान के सोते हैं, बल्कि हम वो है जो कि इस कड़कती ठंड में भी निकलते हैं और 1600 मीटर की दूरी तय करते हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं गांधी मैदान के कॉर्नर पर और विश्वमान भवन के देख रहे हैं, और यहाँ पे जेपी गोलंबर के पास हम लोग पहुँच गए हैं, यानी गांधी मैदान का गेट नंबर 12। और लगभग दौड़ समाप्ति की ओर है इस रात्रि में। अच्छा लगा, यस सर। सभी भाइयों को शुभकामनाएं, बधाई, और आपको भी बहुत सारी शुभकामना, बधाई है, लेकिन उनको बधाई है जो कमल टान के सोते हैं, उनको नहीं जो ग्राउंड में पसीना बहाते हैं, उनको बधाई है, उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामना है। बेटा तुम सोए रहो, हम तो पूरा दुनिया घूम लेंगे। जय।